रक्षा मंत्रालय में क्लर्क का काम करने वाला शख्स लापता और रेवाड़ी के गांव धामलावास का रहने वाले सुभाष चंद दो दिन से लापता हैं और क्लर्क का काम करते हैं। सुभाष चंद लापता अभी भी हैं और कोशिश की जा रही है उन्हें ढूंढने की। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो दो दिन हो चुके हैं और अभी भी लापता है सुभाष चंद। रक्षा मंत्रालय के क्लर्क के पद पर काम करते हैं, रेवाड़ी के गाँव धामलावास के रहने वाले हैं सुभाष। तो दो दिन से लापता है क्लर्क सुभाष चंद, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और क्लर्क की स्कूटी स्थानीय बस स्टैंड से मिली है। संवाददाता राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, तो पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे, परिजनों को कोई संदेह है या क्या कुछ इसमें चीजें निकलकर फिलहाल सामने आई है इस मामले में? इसमें सर जी, 30 तारीख को ये लड़का चला था अपने गाँव से। हेलो जी 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 राजेश, बताया जा रहा है। बिल्कुल राजेश, आप जानकारी दे रहे हैं जी। आरक्षण मंत्रालय के जो प्रेस है वो धामलावास से रहने वाले सुबह। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्रालय का क्लर्क लापता है। लापता क्लर्क की स्कूटी स्थानीय बस स्टैंड पर मिली है। और हमारे साथ एएसआई लालचंद जी जुड़ चुके हैं। लालचंद जी, स्वागत करती हूं आपका खबरें अभी तक पर। और देखिए, ये एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। एक शख्स लापता है जिसकी स्कूटी वहां स्थानीय बस स्टैंड से मिली है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से तफ्तीश की जा रही है इस पूरे मामले में। हाँ जी, इसकी कॉल डिटेल कटवाई है, अभी कॉल डिटेल के आधार पर चल रही है तफ्तीश जी। और इसका सुराग लगाने के लिए पूरा भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं, तफ्तीश जारी है। परिवार साथ मेरे पास ही बैठे हैं, कॉल डिटेल देख रहे हैं, उसके आधार पर चल रहे हैं आगे जी। इसके साथ ही क्या परिजनों को कोई संदेह भी इस दौरान जताया गया है या फिर क्या आप लोग प्राथमिक तौर पर इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं लालचंद जी? अभी फिलहाल है जी, इनको जो स्कूटी में डॉक्यूमेंट एक नोट्स वगैरह मिला है कोई गेम गाम खेलने के मामले में, भाई कैसे रेल में आया करता दिल्ली से, तो कोई गेम खेला करता लड़कों के साथ, तो उसमें पैसे हारना जीतना ऐसे बढ़ता गया। और फिर उसके बाद भाई इसने मेरे को भाई वो कर दिया, भाई गेम खिलाते रहे, गेम खिलाते पैसों का ज्यादा वो हो गया। तो इस तरह की कुछ बातें आ रही है, अभी क्लियर नहीं हुई है, छानबीन कर रहे हैं पूरी जी। तो इसके आधार पर ही आप लोगों की ओर से जांच आगे बढ़ाई जाएगी? हाँ जी, चल रही है अभी। ये जो मोबाइल कॉल है, ये जो इन कॉलों के आधार पर देखते हैं किस किस से बात हुई है, उसके बाद आगे का पता लगेगा। बिल्कुल लालचंद जी, शुक्रिया तमाम जानकारी जो आपने दी है। और राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, तो देखिए किसी गेम की संलिप्तता में भी उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है, तो ऐसे में कैसे इस पूरे मामले को देखा जाए, ये भी यहाँ पर एक बड़ा सवाल अपने आप में बन जाता है। राजेश, आवाज आप सुन पा रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं टेस्ट का मामला लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सुभाष ने एक डायरी में भी लिखा है कि उनकी जो है वीडियो बनाई थी, उस तरह से उनसे रक्षा मंत्रालय की जो जानकारी है वो मांगी जा रही है। और उसके बाद जो पता था हुआ जो है वो उनके पास से मिली है, तो कहीं ना कहीं सनी ट्रैप का मामला नजर आ रहा है। और फिलहाल पुलिस इसके नाम पर थाना इस मामले की जाँच कर रही है। बिल्कुल जी राजेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रक्षा मंत्रालय का क्लर्क है, लापता है, लेकिन जो देखिए एक कहीं ना कहीं लीड यहां पर जो पुलिस को इस समय मिलती नजर आ रही है वो ये कि उनके पास जो स्कूटी उन्हें मिली है उसमें एक डॉक्यूमेंट है जो किसी गेम से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मेरा लड़का रक्षा मंत्रालय में ड्यूटी करता था जी, डेली पेशेंट था, कल ड्यूटी पे गया था, उसके बाद वो वापस नहीं आया। क्या वजह मान के चल रहे हैं, क्या वजह है सर? वो कहीं किडनैप हुआ, क्या हुआ कोई पता नहीं। पास से जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करता है, जय एलडीसी के रैंक पे, तो वो कल से 9 बजे अपने धामलावास से निकला था और स्कूटी पे, उसके बाद वो अनट्रेसेबल है। एसपी साहब अभी मिले नहीं, एसपी साहब रेजिडेंस पे हैं जी। और हम पूरी आशा करते हैं कि वी ट्रस्ट ऑन द एसपी साहब कि वो जल्दी से जल्दी एक एसआईटी गठित करके और इस मैटर को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएं, उच्च स्तर।